हम एक रोचक पाठ का अध्ययन करेंगे। वो पाठ है कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। आपने अपनी पिछली कक्षाओं में चक्रवात, भूकंप, तड़ित आदि परिघटनाओं के बारे में चर्चा की होगी। आपको पता होगा कि चक्रवात मानव जीवन तथा संपत्ति को अत्यधिक क्षति पहुंचा सकते हैं। आज हम इन परिघटनाओं द्वारा किए जाने वाली विनाशों को कम करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले तड़ित परिघटना के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत के तार ढीले हो जाने पर आपने विद्युत खंभों पर चिंगारियां देखी होंगी। तड़ित भी एक विशाल स्तर की विद्युत चिंगारी ही है। प्राचीन काल में लोग इन चिंगारियों का कारण नहीं समझते थे, अतः वे तड़ित से डरते थे। आज हम इन चिंगारियों का कारण पढ़ेंगे। रगड़ द्वारा आवेशन। जब आप प्लास्टिक की कंघी या स्केल को सूखे बालों से रगड़ते हैं, तब वे भी कुछ विद्युत आवेश अर्जित कर लेते हैं। इन वस्तुओं को आवेशित वस्तुएं कहते हैं। प्लास्टिक की कंघी तथा प्लास्टिक के स्केल को आवेशित करने की प्रक्रिया में बाल भी आवेशित हो जाते हैं। अगर आप रगड़ द्वारा आवेशित की गई वस्तुएं जैसे कि प्लास्टिक की कंघी या प्लास्टिक के स्केल को अगर आप कागज के टुकड़ों की तरफ लेके जाते हैं तो वे कागज के टुकड़ों को आकर्षित कर लेते हैं। आवेशों के प्रकार तथा इनकी अन्योन्य क्रियाएं। हम एक क्रियाकलाप देखते हैं। दो गुब्बारे फुलाइए और उन्हें इस प्रकार लटकाइए कि एक दूसरे को स्पर्श ना करें। आप चित्र में देख सकते हैं। दोनों गुब्बारों को किसी ऊनी कपड़े से रगड़िए और छोड़ दीजिए तो आप पाएंगे कि दोनों गुब्बारे एक दूसरे को प्रत्याकर्षित कर रहे हैं। इसी प्रकार एक और क्रियाकलाप कीजिए। आप एक पैन की बेकार रिफिल को लीजिए और उसे पॉलिथीन से रगड़िए और उसे कांच के ग्लास को स्टैंड के भांति उपयोग करते हुए उसे ग्लास में रखिए और उनमें से एक गुब्बारे को उसके पास लेके जाएं और आप पाएंगे कि दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। तो फिर हम यह कह सकते हैं कि आवेश के दो प्रकार होते हैं, सजातीय और विजातीय। सजातीय एक ही प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रत्याकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय भिन्न प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आवेश का स्थानांतरण। आप एक खाली बोतल लीजिए और बोतल के मुंह के साइड से कुछ बड़ा गत्ते का टुकड़ा लीजिए। उसमें एक छेद बनाइए जिसमें धातु की पेपर क्लिप घुसाई जा सके, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। आप एल्यूमिनियम की पन्नी की लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर साइज की दो पट्टियां काटिए। चित्र में दर्शाए अनुसार उन्हें पेपर क्लिप पर लटकाइए और गत्ते के ढक्कन में पेपर क्लिप को इस प्रकार घुसाइए कि वह गत्ते के लंबवत रहे। रिफिल को आवेशित कीजिए तथा उसे पेपर क्लिप के सिरे से स्पर्श कराइए और प्रेक्षण कीजिए तो आप पाएंगे कि एल्यूमिनियम की पन्नी की पट्टियां पेपर क्लिप से होते हुए आवेशित रिफिल से आवेश प्राप्त करती हैं और समान आवेश वाली पट्टियां एक दूसरे को प्रत्याकर्षित करती हैं और वे दूर हो जाती हैं। इस प्रकार की युक्ति का उपयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं। इस युक्ति को विद्युत दर्शी कहते हैं। तड़ित से सुरक्षा। तड़ित के समय कोई भी खाली स्थान सुरक्षित नहीं होता। दोस्तों, गर्ज सुनना किसी सुरक्षित स्थान पर तुरंत पहुंचने की चेतावनी है। अंतिम गर्जन सुनने के बाद सुरक्षित स्थान से बाहर आने से पहले कुछ देर प्रतीक्षा कीजिए।
सुरक्षित स्थान का पता लगाइए। कोई मकान अथवा भवन सुरक्षित स्थान है? यदि आप किसी कार अथवा बस द्वारा यात्रा कर रहे हैं तो वाहन की खिड़कियां या दरवाजे बंद होने पर ही आप भीतर सुरक्षित हैं। तड़ित के समय आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए है? अब हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर आप बाहर हैं, जैसे कि आप मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, खुली कारों में यात्रा कर रहे हैं, तो आप सुरक्षित नहीं हैं। खुले मैदान, ऊंचे वृक्ष, पार्कों में संरक्षण, ऊंचे स्थान तड़ित से हमारी सुरक्षा नहीं करते। और अगर आप घर के भीतर हैं, तो तड़ित टेलीफोनों के तारों, विद्युत तारों तथा धातु के तारों पर कभी भी इन्हें नहीं छूना चाहिए। अगर आप इन तारों को छूते हैं तो आपको विद्युत का झटका लग सकता है, इसलिए हमें इन्हें नहीं छूना चाहिए। भूकंप। भूकंप क्या होता है? क्या भूकंप? जो बहुत समय तक रहता है, पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका होता है। यह पृथ्वी की भूप्रति के भीतर गहराई में गड़बड़ के कारण उत्पन्न होता है। भूकंप हर समय सब जगह आते रहते हैं, पर इन्हें नोटिस नहीं किया जा सकता। विशाल भूकंप बहुत कम होते हैं। ये भवनों, पुलों, बांधों तथा लोगों को असीम क्षति पहुंचा सकते हैं। आपने 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आए एक विशाल भूकंप के बारे में तो सुना ही होगा। महासागर के चारों ओर के तटवर्ती क्षेत्रों में अपार हानि हुई थी। भूकंप से बचाव। यदि आप घर में हैं, तो किसी मेज के नीचे झटकों के रुकने तक वहीं रहें। ऐसी ऊंची तथा भारी वस्तुओं से दूर रहें जो आप पर गिर सकती है। यदि आप बिस्तर पर हैं तो उठे नहीं, अपने सिर का तकियों से बचाव करें। यदि अगर आप घर के बाहर हैं, तो भवनों, वृक्षों तथा ऊपर जाती विद्युत लाइनों से दूर रहें। किसी खुले स्थान को खोजें एवं धरती पर लेट जाएं। यदि आप किसी कार अथवा बस में हैं, तो बाहर न निकलें। ड्राइवर से कहें कि वह धीरे धीरे किसी खुले स्थान पर पहुंचे। भूस्खलन के समाप्त होने